कहा था कि बेल जब पांव की खुर देवे मिट्टी पर भूमि पर, तो उस खुर की रज का बड़ा महत्व है हमारा। उस खुर की रज का बड़ा महत्व है। यह खुर रज कोई साधारण नहीं होती, कई जगह पर काम आती है महाराज। शास्त्र कहता है जिसको बहुत अधिक मात्रा में अगर लकवा ग्रसित हो गया है और वो नहीं पांडुकेश्वर का जल ला सकता, नहीं पांडुकेश्वर जा सकता, ना पांडुकेश्वर का पसीना जल ला सकता। आपको पहले कथा में कहा था कि जिसके शरीर को कंपन उत्पन्न हो जाता है, लकवा लग जाता है, जिसको मिर्गी की बीमारी हो जाती है, जो शरीर से एकदम हाथ पर कंपायमान होने लगता है, तो बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। उस पांडुकेश्वर के कुंड का जल पिला देने से उस व्यक्ति का लकवा धीरे 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 समाप्त हो जाता है। मान लो आप पांडुकेश्वर नहीं जा सकते, मान लो आप इतनी दूर नहीं जा सकते, तो उसका एक तोड़ है, एक लाभ है कि आप एक स्थान पर जहां पर कहीं नंदी हो, कहीं बेल हो, नंदी को जानते हो ना, जहां पर नंदी को नाथा ना गया हो। नाथा हुआ नंदी नहीं चाहिए, नाथा हुआ नंदी मतलब जिसको नकेल ना डाली हो महाराज है। जिसको नकेल डल गई वो नाथा हुआ, नंदी हो जाएगा। तो जिस नंदी को नाथा ना गया हो, उस नंदी के चरण की खुर या उस नंदी पर उस नंदी का पांव किसी तेल में पड़ जाए और उस तेल की मालिश मात्र 5 या 7 दिन कर दो अच्छी डट के, आधा आधा एक घंटा बहुत है, खड़ा होकर दौड़ेगा व्यक्ति मारे।